हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू नॉलेज मीडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 अक्टूबर 2018 से पहले पहले जितनी भी गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं उन सबको एक स्टिकर लगाना होगा गाड़ी के ऊपर, और उस स्टिकर से पता चलेगा कि आपकी गाड़ी डीजल की है, पेट्रोल की है या सीएनजी फिटेड है, एंड आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। सर, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। न्यूज़ आर्टिकल्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये हो क्या रहा है। जब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा ही होता है पेट्रोल डीजल, सो ये स्टिकर की क्या रेलेवेंस है? गाड़ी की आरसी पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा होता है, इस स्टिकर का क्या चल रहा है न्यूज़ में इतना फ्लैश? ठीक है जी, देखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड एजुकेशनल कंटेंट एंड नो कंसेप्ट ऑफ पेनड्राइव प्रोसेस। लेट्स गो अहेड। तो देखिए सर, बात क्या हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान अप्रूव किया है। क्या प्लान है देखते हैं, किसने प्रपोज किया, सुप्रीम कोर्ट कैसे पिक्चर में आ गया, अभी कुछ मिनटों में समझते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान अप्रूव किया है जिसके अकॉर्डिंग एक होलोग्राम बेस्ड कलर कोडेड स्टिकर लगाया जाएगा आपकी गाड़ी के ऊपर। इन शब्दों का मतलब यह है कि एक स्टिकर होगा, जैसे जो गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लग जाते हैं ना, वैसी एक स्टिकर की मैं बात कर रहा हूँ। सो एक स्टिकर होगा, वो एक तो कलर्ड स्टिकर होगा, जैसे आपको अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना होगा अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है या फिर सीएनजी फिटेड गाड़ी है, सो आपको अपनी गाड़ी के ऊपर एक ब्लू कलर का स्टिकर लगाना है, और अगर आपकी डीजल की गाड़ी है सो आपको ऑरेंज कलर का स्टिकर लगाना होगा अपनी गाड़ी के ऊपर। हम बात करें कि ये स्टिकर का कलर होगा ब्लू या ऑरेंज, देन उसके ऊपर एक होलोग्राम होगा। होलोग्राम आप समझते हैं ना, जो थोड़ा सा शाइन करते हैं उनको अलग से करें तो उसमें ऊपर एक्चुअली उसके ऊपर कोडिंग हो जाती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ होलोग्राम। सो यहाँ पे कुछ कोड्स लिख दिए जाएंगे जो बहुत ईजीली स्कैन किए जा सकते हैं बाय लोकल अथॉरिटीज। एक स्कैन करते ही गाड़ी की हिस्ट्री निकल के आ सकती है, वही डिटेल्स जो आरसी के ऊपर लिखी होती हैं, वही डिटेल्स बेसिकली। एंड यहीं पे स्टिकर पे कहीं आपका गाड़ी का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा होगा, लेट अस से इट इज 2013। तो सर ये सब क्यों हो रहा है? जब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा होता है, पेट्रोल डीजल भी लिखा है, तो इस स्टिकर की क्या जरूरत है? कुछ मिनटों में हम सारी डिटेल्स समझते हैं। अभी आप बेसिकली ये समझिए कि न्यूज़ आर्टिकल्स में जो चीज़ें आ रही हैं उसका मतलब क्या है कि 2 अक्टूबर 2018 से पहले पहले दिल्ली एनसीआर, प्लीज़ सी माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, दिल्ली एनसीआर ओनली, बाकी के इंडिया को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर जितनी भी कार्स हैं सबको अलग अलग कलर का स्टिकर लगाना होगा एज पर देयर वेरियंट, फ्यूल वेरियंट, कि आप पेट्रोल हो, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड डीजल हो या BS6 फ्यूल हो। सो अब हम समझते हैं कि ये क्यों चीज करी गई है। हमने देखा कि गाड़ियों पे एक स्टिकर लगाना होगा अलग अलग रंग का, सो ये क्यों होगा? बेसिकली अब मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाऊं कि जो स्टिकर होगा दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव देन द ऑड इवन रूल। सो क्या देखा गया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिवली दिल्ली का पोल्यूशन मॉनिटर कर रहा है, ऑड इवन स्कीम को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए इस स्टिकर सिस्टम को लाया जा रहा है। सो क्या होगा कि अगर जिस दिन से मान लो 15 डेज के लिए मैं ऑड इवन स्कीम करता था, जो लोग ऑड इवन स्कीम नहीं समझते, दिल्ली एनसीआर में एक स्कीम लागू की गई थी कि एक दिन सिर्फ ऑड नंबर्स की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन सिर्फ इवन नंबर्स की गाड़ियां चलेंगी। सो अब इस सिस्टम को और बेटर इम्प्रूव करने के लिए ये स्टिकर सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। सेव आउट ऑफ ये रहेगा सिर्फ 15 डेज के लिए इनफोर्स। मान लीजिए फॉर फर्स्ट डे सिर्फ ब्लू कलर की गाड़ियां चलेंगी ब्लू स्टिकर की, सेकेंड डे सिर्फ ऑरेंज कलर की गाड़ियां चलेंगी, एक ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली में अलग अलग एरियाज हैं, से ए बी सी, जैसे दिल्ली का एक बहुत फेमस एरिया है कनॉट प्लेस, सो ये कहा जा सकता है
कि फॉर 10 डेज, मान लीजिए अगस्त के 10 दिन में सीपी के एरिया में सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज स्टिकर्स वाली गाड़ियां चलेंगी या सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्टिकर्स वाली गाड़ियां चलेंगी। तो आप ये देखिए कि ये इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना एंड इसे मॉनिटर करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। एंड ये हाई पोल्यूशन डेज वाले दिनों में किया जाएगा। जैसे आप जानते ही हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा होता जा रहा है। दिल्ली की हवा एक बहुत गैसियस पॉइजनस हवा बनती जा रही है। सो इस स्टिकर सिस्टम से एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स को कम हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली। ऑड इवन रूल में हम क्या एक एक गाड़ियों का नंबर देखते रहे। सो हम मॉनिटर करना थोड़ा हमारे लिए स्कोप लिमिटेड हो गया था। ब्लू और ऑरेंज में हमें इतनी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि दिल्ली के एक एरिया में सिर्फ ब्लू गाड़ियां चलेंगी, बी एरिया में सिर्फ ऑरेंज गाड़ियां चलेंगी। इससे पोल्यूशन मैनेज किया जाएगा। जैसे आप समझते ही हैं कि जब लैक्स एंड करोड़ गाड़ियां चल रही हैं सड़कों के ऊपर, तो सबसे हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस निकल के आ रहे हैं। ये सब एमिशंस कहाँ जाते हैं? ये सब एमिशंस एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड इससे पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत फेमस रिसर्च आजकल न्यूज में चल रही है रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड पेस, सो जो उससे कार्बन एमिशंस निकल के आ रहे हैं वो सब ओशंस में जाके जमा हो रहे हैं। एंड जो ओशंस का कोरल रीफ होता है वो सब एसिडिफाई हो रहा है एंड वो सब डिके हो रहा है। ये सब चीजें हमें कंट्रोल करनी होंगी अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए। मोर ओवर हमने देखा कि स्टिकर से एक बेनिफिट और होगा कि हमने उस पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया। उससे हम क्या देखेंगे? उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। उससे ये हो सकता है कि दूर खड़े हद होके हमें दिख जाएगा कि ये 10 साल पुरानी गाड़ी है या 15 साल की पुरानी गाड़ी है। सर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हो? एक ये रूल है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट कि डीजल गाड़ियां 10 साल पुरानी गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई तो वो रोड पे नहीं चल सकती। तो अगर गाड़ियां चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, उनको एडमिनिस्टर करना नहीं हो पा रहा है। हमारा लॉ तो है, हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं बट हम उन्हें प्रॉपरली एनफोर्स नहीं कर पा रहे। सो अगर जो आपका स्टिकर होगा और उस पे ऐसे नहीं होगा आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा लिखा होगा से 2005, उस पे प्रोमिनेंटली बड़ा बड़ा लिखा होगा 2005 की आपकी गाड़ी है या 2018 की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं 2018 में खड़ा हूँ तो आपकी 2008 से पुरानी गाड़ी है डीजल की, सो वो गाड़ी इस टाइम रोड पे बैंड है। ये जो सेम सिस्टम स्टिकर का है ये पेरिस में इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी 2017 में, जिसकी कॉस्ट आजकल है 4.18 यूरोस। एंड एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो यूरो इज अराउंड 80 रुपीज, सो ये अराउंड अराउंड पड़ रहा है 335 रुपए का इन पेरिस। अभी ये स्टिकर्स कहाँ से मिलेंगे, कितनी कॉस्ट पे मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट ने एज ऑन डेट अभी कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है। सो अब हम आगे ये देखें कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें। जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत एक्टिवली मॉनिटर कर रहा था दी राइजिंग पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली एनसीआर। सो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ईपीसीए, एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। एंड इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को लाइक दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की आप एक्शन लीजिए। सो इसी सब में जुलाई 23 को एमिकस क्यूरे एडवोकेट, एमिकस क्यूरे का मतलब होता है जो एमिकेबली सेटलमेंट की बात करे, एमिकेबली कोर्ट का केस खत्म करने की बात करे स्पीडिली। सो एडवोकेट है अपराजिता सिंह, आपको इनका नाम याद रखना है। इन्होंने सजेस्ट किया है कलर कोडेड स्टिकर्स दैट कुड बी पेस्टेड ऑन व्हीकल्स। सो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के कमेंट्स मांगे गए, उनसे एक प्लान मांगा गया एंड उन्होंने ये प्लान सजेस्ट किया टू सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एस अब्दुल नजीर एंड दीपक गुप्ता जी, जो इस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा
ये कुछ पहले की न्यूज़ थी जब बात हो रही थी कि हम इम्प्लीमेंट करना था बिफोर September 30th। जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें ये लिखा है कि आपको बिफोर 2nd of October इसको इम्प्लीमेंट करना है। मोर ओवर अब इसके बाद ही एक बात हो रही है कि टू हैव अ ग्रीन नंबर प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। आप जैसे जानते हैं कि जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स होती है फॉर सिविलियंस वो व्हाइट कलर की होती हैं, जो ऑफिशियल्स की होती है, जो फॉरेन एम्बेसीज के लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी ब्लू कलर की होती है। सो जो इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स रहेंगी, ये अभी प्रपोज हो रहा है, अभी इस बारे में कुछ आया नहीं है, वो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट्स आए। एंड आपको एक चीज और आपको बता दूं कि जब ये सब बात हो रही थी तो ये सोचा जा रहा था कि जो हाइब्रिड कार्स होती हैं, जो यानी इलेक्ट्रिक कार्स हैं या हाइब्रिड कार्स हैं जो सीएनजी पेट्रोल पे भी चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेंगी, उनको हम किस कैटेगरी में रखें। सो एक कंपनी है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, आपने जरूर नाम सुना होगा, इन लोगों ने ये प्रपोज किया है कि आप हाइब्रिड कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स वाली श्रेणी में रखें ताकि इनको भी इको फ्रेंडली कार्स का दर्जा मिले। बहुत फेमस ट्वीट्स हैं ये, आप ये देखिए, डेली एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स टू हैव कलर कोडेड स्टिकर्स, ब्लू फॉर पेट्रोल, ऑरेंज फॉर डीजल। देखिए सर, अगर आप न्यूज आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं तो एज ऑन डेट कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अगर आप ये बात समझें कि कलर कोडेड स्टिकर्स आएंगे, आपको अपनी गाड़ी जो अगर आप डेली एनसीआर में हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे बिफोर 2nd of October। पेट्रोल सीएनजी की गाड़ी है तो ब्लू कलर का, डीजल की गाड़ी है तो ऑरेंज कलर का। कहाँ से मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, एज ऑन डेट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अगस्त 2018 की, डिस्क्लोज नहीं है, बट नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री की बहुत जल्दी आने ही वाली है। बात हो ही रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, आपको इनके मिनिस्टर्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। जो यूनियन मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है मनसुख एल मांडविया जी। आई होप आपको ये डिफरेंस पता होगा बिटवीन अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो बेसिकली आपको अगर बहुत सरल शब्दों में समझाऊं, कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर जो होता है वो होते हैं बिल्कुल प्रॉपर मिनिस्ट्री के टॉप बॉस। मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सो इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तो मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, अगर मैं एक डिपार्टमेंट का अलग से मिनिस्टर घोषित कर दूं, उसे कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो वो सबॉर्डिनेट होते हैं एंड वर्क करते हैं विद यूनियन मिनिस्टर। बट आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट को एज ए स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं। सो अब बात हम कर ही रहे थे कि ये सबसे पहले पेरिस में शुरू हुआ था, सो थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं, बात कर ही लेते हैं। वर्ल्ड के नक्शे पे ये रहा इंडिया, यहां से यूरोप की साइड पे जाते हैं सो ये रहा फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। एंड सर आप एक बात देखिए कि यूरोप में ये ग्रीन कलर का एरिया हुआ है, ये साउथ अमेरिका में ग्रीन कलर का एरिया क्यों किया आपने? देखिए सर, ये साउथ अमेरिका की एक टेरिटरी है जिसका नाम है फ्रेंच गियाना। ये बिल्कुल ब्राजील एंड सुरीनाम के साथ में है एंड ये एक फ्रेंच टेरिटरी है। Even being in South America, this is the only country which is a part and parcel of France. इसको overseas territory भी कहा जाता है। एक knowledge media के channel पे video है चंद्रयान 2 के नाम से, उसमें जाइएगा, French Guiana पे काफी detailed discussion हो रखी है। So France के president है Mr. Emmanuel Macron, जो भी बहुत recently India भी visit किए हैं। France की हम बात देखें तो France European Union का member भी है, नेटो का मेंबर भी है, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल का भी है, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, G20 का भी मेंबर है एंड G7 का भी मेंबर है। G7 की मीटिंग बहुत रिसेंटली हुई है एंड G20 की मीटिंग अब होने वाली है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी कंट्री में होने वाली है एंड किस डेट को होने वाली है। ये बहुत फेमस है एंड आप ये समझ लीजिए, आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है जहां पे ये होने वाला है। करंट जो न्यूज चल रही है फ्रांस की, वो चल रही है कि यूएस ने कुछ टर्की के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए हैं,
सो टर्की एंड फ्रांस आर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट दोस सैंक्शंस। अब जैसे मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियो ब्लैंक नहीं छोड़ देता, मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ ताकि आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। एक हफ्ते में ये वीडियो दो बार देख लेना, आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज आज की वीडियो में मैंने जो जो बात करी है कार कलर्ड स्टिकर के बारे में बात करी, जिसमें ऑरेंज एंड ब्लू कलर का स्टिकर लगेगा एज पर योर पेट्रोल फ्यूल वेरियंट, कि आपका CNG पेट्रोल है या आपके पास डीजल है। फिर हमने इसके बारे में बात करी कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, पेरिस की हमने बात करी, फ्रांस की हमने कुछ बात करी। इसमें जो एमिकस क्यूरे रहे हैं उन एडवोकेट का नाम आपने ज़रूर याद रखना है। एंड फिर हमने बात करी कुछ G20 G7 के रिगार्डिंग, जो G20 जब जहाँ कंट्री में होने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। आई होप आपका जो डाउट था कि कलर्ड स्टिकर है क्या, वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो ब्लू कलर का स्टिकर गाड़ी पे लगाना ही लगाना है दिल्ली NCR में बिफोर 2nd of October। दूर से देख के पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, अकॉर्डिंगली हम ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे, पोल्यूशन लेवल्स को मैनेज कर पाएंगे कि एक दिन सिर्फ CNG गाड़ियां चलेंगी, एक दिन सिर्फ डीजल गाड़ियां चलेंगी। अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर पाएंगे कि जो कार्बन एमिशन हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं, एनवायरमेंट को बचा पाएं, एंड मोर ओवर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी उस पर लिखा होगा ताकि ये कंट्रोल हो सके कि ये 10 साल पुरानी गाड़ी 15 साल पुरानी गाड़ी कहीं लॉ को वायलेट तो नहीं कर रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।